आर सोनी न्यूज खबर आप। यूपी के योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस ने मोबाइल फोन और स्कूटी लूटकर भाग रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान मेरठ के इनामी बदमाश शहजाद के पैर पर गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लुटेरे से तमंचा और कई कारतूस और स्कूटी बरामद की है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शहजाद, जिसके पैर में खुर्जा पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। दरअसल बुलंदशहर के देर रात को दिल्ली से कानपुर नेशनल हाईवे के लिंक रोड पर कोतवाली खुर्जा सिटी इलाके में शहजाद अपने एक साथी आफिस के साथ मोबाइल फोन लूट कर भाग रहा था कि वायरलेस पर लूट की खबर खुर्जा। आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज़ के लिए दौलत शर्मा की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। सर, ये जो आज की घटना है इसके बारे में बताइए सर, कैसे क्या हुआ सर? आज रात 11:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि दो बदमाश जो स्कूटी पर सवार हैं, हेलमेट लगाए हैं और एक व्यक्ति से मोबाइल लूट करके भागे हैं। इस सूचना पर तत्काल खुर्जा नगर इंस्पेक्टर और उनकी टीम जंक्शन चौकी इंचार्ज उसका पीछा किए और पीछा करते वो लिंक रूट पर मुड़ गया। पुलिस पार्टी द्वारा उनके रोकने का प्रयास किया गया, तत्काल बदमाशों द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया और फायर से अपने को बचाव करते हुए आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाई जिससे उसके पैर में लगा है। दूसरा बदमाश जिसका नाम आशिफ था वो भागने में सफल हो गया और जिसको गोली लगी है उसका नाम शहजाद है, जो खिरवा जलालपुर थाना सरधना मेरठ का रहने वाला है। इससे लूटी हुई मोबाइल बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, साथ में 315 वोल्ट का तमंचा बरामद हुआ है। तत्काल उसको जिला उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि इसके खिलाफ करीब 10-12 मुकदमे हैं। अन्य मुकदमों के बारे में जानकारी की जा रही है। इन मुकदमों में काऊ स्लाटर एक्ट के भी मुकदमे हैं और 307 के हैं, गैंगस्टर के हैं और लूट के कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। अन्य मुकदमों के बारे में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है। ठीक।